नमस्कार, मैं अमिता जनमत लाइव से। आज की प्रमुख देश दुनिया की खबरें। रायपुर सीआरपीएफ बटालियन को ले जा रही विशेष ट्रेन में विस्फोट, 4 जवान घायल, एक की हालत गंभीर। आईपीएल 2021 टूट गया केकेआर का सपना, धोनी की चेन्नई ने फाइनल में दी फटकनी। राजस्थान बच्चे को निमोनिया होने के बाद माँ ने गर्म सलाखों से दागा, अस्पताल में भर्ती। ब्रिटेन बोरिस जॉनसन की पार्टी के सांसद की चाकू से गोदकर हत्या। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू, सोनिया राहुल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद। नए अध्यक्ष के नाम पर हो सकती है चर्चा। तमिलनाडु आज से फिर सियासी पारी शुरू करेंगी शशिकला, जयललिता मेमोरियल का करेंगी दौरा। जशपुर हादसा, सीएम भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजे का किया ऐलान। एसआई सस्पेंड, टीआई लाइन अटैच। पीएम मोदी ने एस जयशंकर को सौंपी नई जिम्मेदारी, 19 अक्टूबर को इजराइल के लिए होंगे रवाना। ड्रैगन की जी हजूरी भी न आई काम, पाक को चीन ने दिखाई औकात, कहा पहले मुआवजा दो फिर दासू डैम पर होगा काम। इंडोनेशिया के बाली में भूकंप से 3 की मौत, 7 घायल। खबरें दिल्ली एनसीआर से। पंजाब, सिद्धू ने 18 दिन बाद वापस लिया इस्तीफा, राहुल से मिलने के बाद बोले सब ठीक हो गया। दिल्ली, कोरोना काल में बढ़ गया सांसों पर संकट, एम्स में डॉक्टरों का टोटा, बिस्तरों की भी किल्लत। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी कट ऑफ आज होगी जारी, बृहस्पतिवार तक दाखिले। दिल्ली गृह मंत्रालय के परामर्श से पुलिस आयुक्त ने किया ऑडिट, 500 कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्यों से किया मुक्त। ग्रेटर नोएडा, एक ही नंबर प्लेट पर चल रही 2 स्कॉर्पियो, 6 बार चलान। खबरें बिहार झारखंड से। बिहार, सीतामढ़ी दुर्गा विसर्जन के दौरान भिड़ी पुलिस पब्लिक, पथराव और हवाई फायरिंग हुई, 3 पुलिसकर्मी घायल। 3 तस्कर गिरफ्तार, यूपी से 180 पीस शराब लेकर बक्सर जा रहे थे बाइक सवार, पुलिस को देखते ही बढ़ाई स्पीड। एनटीपीसी में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत, मजदूरों ने कंपनी के गेट पर खड़ी की एम्बुलेंस, लिखित समझौते के बाद हटाया शव। अररिया, मंदिर में सोए युवक की गला रेत कर हत्या, हिरासत में माता पिता, घर में मचा कोहराम। बिहार विधानसभा उपचुनाव, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, इन दो यादव नेताओं को कांग्रेस ने बड़ी भूमिका में उतारा। खबरें झारखंड से। बिजली संकट, कोयले की आपूर्ति में बिजली क्षेत्र को दी जा रही है प्राथमिकता, कोयला आधारित अन्य उद्योगों पर पड़ेगा प्रभाव। रामगढ़, एम्बुलेंस और बाइक के बीच आमने सामने भिड़ंत, 3 की हुई दर्दनाक मौत, 2 घायल। राउरकेला गए थे तार कंपनी के अधिकारी, घर में हो गई चोरी। आगामी 50 वर्षों को दिमाग में रखकर जनसंख्या नीति बने और सब पर लागू हो भागवत। खबरें गुजरात से। अहमदाबाद वस्त्रालय में हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग मिल, दूध में नींद की दवा मिला, पति को मौत के घाट उतारा, आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पंजाब, गुजरात में पकड़ी गई 3000 किलो हेरोइन मामले में अमृतसर में दबिश, एनआईए ने पूर्व अकाली नेता के घर पर 2 घंटे तलाशी ली। ओडिशा, सूरत से 1142 किलो गांजा मंगवाने वाले मुख्य आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई, सीएनजी पंप के पास अंग्रेजी शराब से भरी कार बरामद, 4.80 लाख का सामान जब्त। सीयूजी रिक्रूटमेंट 2021, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के 114 पदों पर भर्तियां। पांडेसरा के वरोद गांव की घटना, मेडिकल स्टोर में काम करने वाले 15 साल के लड़के ने बुखार से तड़प रहे मरीज को पेट दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, हालत गंभीर। धन्यवाद, जुड़े रहें बाकी खबरों के लिए जनमत लाइव.com के साथ।